शांति। आज की तारीख है 16/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है विदेही परमपिता परमात्मा अपने विदेही बच्चे आत्माओं को कहते हैं मीठे बच्चे। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते हैं। प्रश्न है बाप का बनने के बाद भी बाप माना परमपिता परमात्मा तो उनका बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है। उत्तर है जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है इसलिए बाबा कहते कि बच्चे एक बाप के साथ अपना बुद्धि योग रखो बाप को ही फॉलो करो। कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है। देहद का संन्यास करना है। नंबर दो बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है। ज्ञान में मजबूत पक्का और हिम्मतवान बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जाते हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोदी में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो हर कार्य को करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन है स्व उन्नति और सेवा के बैलेंस से ही सफलता मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।